नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बिहार चुनाव में अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद थोड़ी देर में पटना में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इससे पहले तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन, कांग्रेस और एलजेपी भी अपने वादों की बौछार कर चुके हैं। आज नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और साथ ही चिराग पासवान समेत कई बड़े नेताओं की पब्लिक मीटिंग से बीजेपी का घोषणा पत्र जैसे ही आएगा हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलेंगे। लेकिन उससे पहले बात बिहार के मूड की। हमने दिल्ली में बैठकर सुनी सुनाई बातों पर रिपोर्ट तैयार नहीं की है, बल्कि इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स सीधे जनता के बीच गए हैं। हमने गांव, गली और चौराहे पर जाकर वोटर से बात की है। हम वोटर की अनफिल्टर्ड और अनएडिटेड बात आप तक पहुंचाएंगे। आज पूरे दिन इंडिया टीवी पर होगी पब्लिक मीटिंग और सबसे पहले बात होगी पटना की। पटना के लोगों के दिल में आखिर क्या है, किसके वादे पर उनको एतबार है, किसके वादे हवा हवाई लग रहे हैं। नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी संवाददाता, लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं, चाय पर चर्चा कर रहे हैं, देखिए। बिहार में चुनाव के बीच राजनीतिक दलों का पिटारा खुल गया है, घोषणाओं का पिटारा। हर दल अपनी अपनी बात रख रहा है, घोषणाएं की जा रही हैं। हम एक चाय की दुकान पर हैं पटना में और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि अभी अलग अलग दल दावा कर रहे हैं, तेजस्वी कर रहे हैं 10 लाख रोजगार देंगे, विपक्ष कर रहा है पैसे कहाँ से लाएंगे, भरोसा है? देखिए, कह रहे हैं भाई मुख्यमंत्री बनेंगे तो जरूर भरोसा है, जनता नेता हैं और नेता पर तो भरोसा करना पड़ता है। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम 7 निश्चय पार्ट 2 लाएंगे, जो लड़कियां ग्रेजुएट होंगी उनको 50,000 देंगे, तो ये सारी बातें क्या भरोसे के लायक हैं आपको? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री के बात पर कोई भरोसा नहीं है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कब क्या कर देंगे किसी को पता नहीं। उन पर कमेंट्स करना ठीक नहीं है। आज बीजेपी का भी घोषणा पत्र आ रहा है, आपको अपनी तरफ से क्या उम्मीदें हैं, क्या हो बीजेपी के घोषणा पत्र? इनसे पूछते हैं, आप बोलिए ना, बताइए आपको क्या लग रहा है। जो 10 लाख रोजगार की बात कही तेजस्वी ने, भरोसा है उस पर? हाँ जी सर, भरोसा है हमको। हाँ, और क्या चीज़ें आएंगी उसमें सर? हाँ, आप बताएंगे कि जो घोषणा पत्र में बातें कही जा रही हैं, जिस तरह से हर दल दावा कर रहा है, आपको क्या उम्मीद है? बीजेपी का घोषणा पत्र आ रहा है अभी 10 बजे, बता नहीं सकते क्या हो सकता है। आपको क्या चाहिए? रोजगार, रोजगार जी। तेजस्वी तो कह रहे हैं 10 लाख रोजगार देंगे, भरोसा है? नहीं भरोसा है। क्यों? अरे नहीं देंगे, ऐसी बात केवल करते हैं। अच्छा, केवल बात ही करते हैं। विपक्ष कह रहा है कि पैसे कहाँ से लाएंगे? कोरोना काल के देखिए, कोरोना काल चल रहा है और इसमें कितना पैसा सब गया देख ही रहे हैं। तो नीतीश कुमार का जो घोषणा पत्र है उसमें कहा गया है कि 7 निश्चय जो उनका पहले था उसका पार्ट 2 आएगा और उसमें वो अलग अलग वादे कर रहे हैं। सब घोषला बातें हैं, सही नहीं है। आप बताइए, आपको क्या भरोसा है घोषणा पत्र में जो बातें कही जा रही हैं, क्या लगता है? ना, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी अपने फायदे के लिए ही काम करेगा, जनता का फायदा कोई नहीं कर रहा। तो आप बीजेपी का घोषणा पत्र आ रहा है, आपकी क्या उम्मीद है, क्या हो? कोई पार्टी हो सिर्फ अपना फायदा देखेगा, सत्ता में आने के बाद सभी का चेहरा बदल जाता है, 15 लाख नौकरी, लंथन, सब अपना फायदा है, चुनावी जुमला। यहाँ आप बताइए, आपकी क्या उम्मीदें हैं? घोषणा पत्र बीजेपी का आ रहा है, आप क्या चाहते हैं, क्या हो उसमें जो आपके लिए अच्छा हो? सब झूठा वादा है। हाँ, सब झूठा वादा है। नहीं, आपकी उम्मीद क्या है ये बताइए, क्या चाहते हैं? वादा करके सब तो मुकर जाते हैं ना, वादा करने से क्या होगा? कौन कहा नीतीश बाबू जो वादा किए कहाँ तक पूरा किए? कुछ भी पूरा नहीं किया। बेरोजगारी जो है बढ़ रहा है, वादा कर रहे हैं 10 लाख देंगे रोजगार, वो तो कह रहे हैं, कहने से क्या होगा? वो भी कहाँ से देंगे नौकरी, वो भी कहाँ से नौकरी देंगे? बिहार में पैसा है। आपको लग रहा है कि पैसा देना उतने लोगों को संभव नहीं है, इसलिए ये वादा भी सही नहीं है? वादा सही नहीं, कोई भी वादा जो है करते हैं वो बेकार है। आपकी क्या उम्मीद है घोषणा पत्र में, क्या हो? बीजेपी ला रही है घोषणा पत्र, क्या हो उसमें? मैंने विकास के मुद्दा होना चाहिए। हाँ। खाली प्रलोभन देकर करके ये गलत बात है। अच्छा। और नौकरी की जहाँ तक बात लोग करते हैं तो रुपया कहाँ से आएगा? इसका ब्यौरा दें, जो कहते हैं कि हम 10 लाख के 20 लाख के नौकरी देंगे तो उसकी ब्यौरा दें कि इतना रुपया यहाँ बिहार में है, हम देंगे, ये फंड से है। खाली हम कह देवें, बरगला देवें लोगों को, झूठा आश्वासन दे कर करके लोगों को जो सब परेशान करें वोट को लेकर करके, फिर वही बात झूठ बन जाए। वोट लेने के लिए सब कहा जाए, वोट लेने के लिए सब लोग करते हैं तीन तरह।
अच्छा। उससे तो अच्छा है कि नीतीश कुमार जो है सड़क बनवा रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं, क्या जो गलत घोषणा करते हैं उससे तो कहीं बेहतर है कि एनडीए के घोषणा पे भरोसा है। हाँ भरोसा है। यहाँ भी कुछ लोग हैं अखबार पढ़ रहे हैं, सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे हैं, आप चुनाव की खबर हमें दिख रही है इसमें, ये देखिए लिखा है कांग्रेस की घोषणा, 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, लोजपा का वादा, नियमित किए जाएंगे संविदा कर्मी, भरोसा है। हाँ भरोसा है, भरोसा है। हाँ अच्छा, और तेजस्वी ने जो कहा वो भी हमारा तेजस्वी उसी का मैनिफेस्टो है। नहीं उनका कहना था 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख वो तो देखिए ये तो नियमित किए जाएंगे, देखिए समान वेतन समान कार्य वाला जो व्यक्ति हुआ है ये वादा भी कर रहे हैं, तेजस्वी भी कर रहे हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र भी आ रहा है, वो आ रहा है। देखिए बीजेपी के तो जो शीर्षस्थ नेता जो है वो अपने घोषणा पत्र कहते हैं कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, है हर बेरोजगारों के खाते में 15 लाख डालेंगे। आपको क्या उम्मीद है, आपकी उम्मीद क्या है, क्या हो घोषणा पत्र में सबसे अच्छा आपके लिए? घोषणा पत्र में जो आरजेडी का जो घोषणा पत्र है हमारे जैसे शिक्षा के लिए बहुत है, समान काम के लिए समान वेतन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसके साथ हैं, इसलिए कि मैं शिक्षक हूँ। और जहाँ तक रह गई सरकार की तो एक जुआ है, और बिहार के जनता के लिए, बिहार की जनता जो है बदलाव चाहती है, निश्चित है। आपको क्या लग रहा है घोषणा पत्र में क्या हो जो आपके लिए अच्छा हो? घोषणा पत्र बीजेपी का घोषणा पत्र आने वाला है क्या? बीजेपी से तो हम सख्त नाराज, बीजेपी के शासन एकदम पलट देना चाहिए। इससे किस पर भरोसा है आपको? तेजस्वी पे भरोसा है, तेजस्वी पर युवा नेता है। अच्छा, 10 लाख नौकरी की बात पे भरोसा है? 10 लाख नौकरी देवे करेगा। अच्छा, विपक्ष कह रहा है पैसे कहाँ से लाएंगे? लालू जी से हट के है, विपक्ष कह रहा है पैसे कहाँ से? विपक्ष का नेता है, विपक्ष का पैसा आएगा ना, वो ना लाएगा, आप थोड़े बोलने वाले हैं, वो कहाँ से लाएगा? मतलब नोट नहीं, विपक्ष कह रहा है कि नोट छापेंगे क्या? स्रोत बनाएगा, स्रोत आने का स्रोत बनाएगा। इनके के लोग दे दे, इनके के लोग वोट दे दे तो ये कहाँ से पैसा लाएंगे? ये तो बोलेंगे समुद्र, अभी 15 साल इनका दिया तो कहाँ से पैसा लाएंगे? अलग अलग राय है लोगों की घोषणा पत्र पर, कोई कह रहा है कि उसे भरोसा है आरजेडी के घोषणा पत्र पर 10 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं, पैसों का इंतजाम हो सकता है, कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ वोट के लिए है, किसी को नीतीश के घोषणा पत्र पर भरोसा है। और इन्हीं सारे सवालों का जवाब मिलेगा जब वोटों की गिनती होगी, और उससे जो नतीजे आएंगे उससे पता चलेगा कि किसके घोषणा पत्र पर किसने कितना यकीन किया। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो नौकरी देबे करेगा लेकिन पैसा कहाँ से लाएगा, सवाल अहम है। बिहार की जनता का मूड हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। आपने पटना के वोटर्स की अनफिल्टर्ड बात सुनी, अब आपको बिहार के दरभंगा ले चलते हैं। मिथिलांचल रीजन का बड़ा शहर है दरभंगा, जहां महागठबंधन और एनडीए में सीधी टक्कर है। पवन नारा ने सुबह सुबह चाय की दुकान पर लोगों का मन टटोला है। तो आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। बिहार में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सी पार्टी क्या घोषणा करती है। तेजस्वी की तरफ से घोषणा की गई है कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, कांग्रेस की तरफ से घोषणा की गई है कि 10 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा। हम चाय की दुकान पे हैं, सुबह सुबह की चाय की चुस्कियां हैं और दरभंगा का बाजार है, बाजार पूरी तरह से खुला नहीं है। सर आपसे सवाल यही है, चाय की चुस्की लेते जी, नेताओं के वादे में कितना दम? कुछ कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं, कोई दम नहीं है। तो कोई उम्मीद है बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र लाएगी? हाँ, बीजेपी की यदि घोषणा पत्र आती है तो उस पर उम्मीद जताई जा सकती है, क्योंकि मोदी है तो सब मुमकिन है। सर मोदी का तो चेहरा नहीं है ना, लोग तो नीतीश से नाराज दिख रहे हैं। नीतीश से नाराज दिख रहे हैं, मोदी जी से नाराज नहीं दिख रहे हैं। तेजस्वी कहते 10 लाख नौकरियां देंगे, कहां से देंगे? यदि देने होते तो 20 साल वो पहले राज किए। 10 लाख तो छोड़िए, 5 लाख की भी एस्टीमेट हमको दिखा दीजिए आप। अच्छा, 5 लाख का भी नहीं है। बाबा किस पार्टी से उम्मीद है कि कौन से का घोषणा पत्र मजबूत होगा? घोषणा पत्र बीजेपी का होगा, बीजेपी का। कौन सा वादा चाहते हैं आप, चाहते घोषणा पत्र में होना चाहिए? देश उद्धार वाला काम होना चाहिए, रोड बने, गली बने, यही विकास वाला काम होना चाहिए। चाय वाले बाबू भैया, आपके चाय वाले तो प्रधानमंत्री बन गए, अब घोषणा पत्र आ रहा है, तो दोनों तीनों पार्टी का घोषणा पत्र देख के क्या मन में आ रहा है, किसका दावा मजबूत लग रहा है? मोदी जी का दावा मजबूत लग रहा है, मोदी जी का जी। वो तो अभी घोषणा पत्र रखे भी नहीं है, तो घोषणा पत्र में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सारा चीज हमारा देश मजबूत रहे, सारा काम देश में कोई हमारा आंख नहीं दिखा सके, हम हर जगह गर्व से खड़े रहे अपने भारत में। तेजस्वी तो रोजगार की बात करते हैं, रोजगार में क्या दिक्कत है? अब सर इतना साल हम लोग ने मौका दिया, कहाँ कुछ हुआ?
जब से हमारे मोदी जी आए रोड बन गया, नाला बन गया। पहले तो रोड था, कंकड़ था, पहले ठेला भी नहीं चल पाता था, रिक्शा भी नहीं। अभी हर लोग बिंदास दौड़ रहे हैं। अच्छा, दौड़ रहे हैं, बिहार दौड़ रहा है, लेकिन रोजगार है। सर सवाल ये कि कौन सी पार्टी से उम्मीद लग रही है? कांग्रेस ने कहा है कि 10 लाख का लोन बिना किसी कर्ज के मिलेगा, तेजस्वी 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, बीजेपी आज घोषणा पत्र देने वाली है। बीजेपी से ही उम्मीद है, बीजेपी से उम्मीद है। काहे कि तेजस्वी के माँ बाप का हम लोग सरकार 15 साल देखे हुए हैं। हाँ। जंगल राज था। अच्छा, इसलिए बीजेपी से ही उम्मीद है। तेजस्वी युवा है तो कोई बदलेगा पार्टी? लाइन लेंथ बदलेगा आरजेडी का? नहीं बदलेगा, उसकी परिपाटी वही रहेगी। परिपाटी वही रहेगी। तो आप जरा दूर खड़े होकर देख रहे हैं, किससे उम्मीद है? बीजेपी। बीजेपी से? आप तो अभी आपकी तरफ इशारा करके कह रहे थे कि आप तो आरजेडी के समर्थक हैं। नहीं, बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं। तो तेजस्वी के दावे में दम क्यों नहीं लगता? उसके दावे में कोई दम है ही नहीं, तो दम लगेगा कहाँ से? नहीं है, नहीं है। तो युवा हमारे साथ सामने रुक गए हैं जरा साइकिल देखकर, हम भी जरा उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, सर क्या लग रहा है आपको, किसका दावा मजबूत, किसके वादे में दम? तेजस्वी के 10 लाख की नौकरी के वादे का क्या रहेगा? जो अच्छा करेगा बस उसी के फेवर में जाएगा, उसी के फेवर में। लग रहा है कि तेजस्वी 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहा है, उससे कुछ बात बदलेगी? देखिए, उम्मीद है फिलहाल, अभी तक किसी के बारे में उम्मीद नहीं है। नहीं है? नहीं। तो विकास मांगे, रोजगार मांगे, सड़क मांगे, क्या मांगे बिहार? बहुत चीज मांगे। क्या मांगे बताइए? रोड भी मांगे, हर चीज मांगता है। देखिए, जिसके फेवर में होगा वो अपने आप निकल जाएगा। आपके आप किसके फेवर में है? हम किसी के फेवर में नहीं। तो जो किसी नेता का वादा दमदार नहीं लगता? जो अच्छा काम करेगा उसी के को वोट मिलेगा। अच्छा, अच्छा काम पिछले 15 साल में अच्छा हुआ? अभी तक तो फिलहाल देखिए, अब सबके नजर में है, सबके नजर में है। गुप्त है, आप युवा है, क्या सोच रहे हैं, रोजगार कौन देगा? रोजगार बीजेपी देगी मेरे हिसाब से तो। बीजेपी देगी? yes. तो कम से कम इस चाय की दुकान पे बीजेपी का बोलबाला है। आइए आगे लेकर चलते हैं, आपको पूछते हैं कि तेजस्वी के दावे में कितना दम है और बीजेपी के मैनिफेस्टो से कितनी उम्मीदें हैं। इस वक्त हम दरभंगा के टावर चौक इलाके में हैं। यहाँ पर भी सुबह की चहल पहल है, लस्सी है, सत्तू है, सब है। अंकल जी, वोट देने का वक्त आया है, सब नेता वादा कर रहे हैं, तेजस्वी 10 लाख नौकरी, कांग्रेस 10 लाख का लोन, बीजेपी आज वादा करेगी, किसके वादे पे भरोसा है? किसी के वादा पर भरोसा नहीं है, जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। अच्छा, जो 10 लाख नौकरी का वादा है, इसको पास के फेल? सब कितना वादा किया है, सब फेल हो गया है। हाँ जी, कांग्रेस आरजेडी पर भरोसा है, आरजेडी पे भरोसा है। तो जो तेजस्वी 10 लाख नौकरी की बात करे वो मिलेगी? हाँ जी, मिलेगी। हाँ हाँ। तो नीतीश 4 लाख तो अभी पेंडिंग है बिहार सरकार में, जो नीतीश कुमार नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। बचा कितना? 5.5 लाख। वो तो कर ही लेंगे। 4.5 लाख भी दे दे तो बहुत है। बहुत है, बहुत है। तो युवा है, एक बार मौका मिलना चाहिए उनको भी। ये 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, तेजस्वी के दावे भरोसा है। अंकल जी, किसके दावे पे? 10 लाख नौकरी, 10 लाख का कर्ज, या बीजेपी जो आज कुछ घोषणा करेगी उस पे? बीजेपी पर ही भरोसा है, बीजेपी भरोसा है। राजद केवल लंब लफाफा करने वाला पार्टी है। हाँ। लूट खसोट करने वाला पार्टी है। नौकरी नहीं देंगे तेजस्वी को? मुक्स वाले नहीं है वो, जंगल राज को याद करके देखिए। अच्छा, क्या पोजीशन था? युवा ने तो जंगल राज देखा ही नहीं, जो आज वोट डाला है। नहीं देखा है तो पूर्वज को पहचानता है ना? पूर्वज को पहचानता है ना कैसा हमारा पूर्वज है? तो जंगल राज की बात कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं किसके दावे में दम लग रहा है आपको? इस बार नवयुवक के वादे में दम लग रहा है, और हमारे हिसाब से इस बार नया युवक जो बनेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे, बनना ही चाहिए, और वो काम भी अच्छा करेंगे स्टूडेंट के लिए, या छात्र के लिए, या छात्राओं के लिए। लग रहा 10 लाख नौकरी का वादा मजबूत? 10 लाख नहीं तो 5 लाख जरूर ही मिलेगा। 5 लाख नहीं तो 4 लाख। मोल भाव ठीक है, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। बीच का रास्ता निकलेगा। आपको क्या लग रहा है? नहीं लग रहा है? हमको तो नहीं लगता है कि वो 10 लाख नौकरी दे पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस जब आई थी तो बोली थी किसान का कर्ज माफ करेंगे, क्योंकि वो जीतने के बाद जब सत्ता में आई तो फिर वो जो है मतलब नौकरी वोकरी या फिर उनका कर्ज माफ वगैरह कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ ठीक है। और वो जो तेजस्वी यादव जी हैं वो बोलते हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। हमको नहीं लगता है कि वो 10 लाख नौकरी देने वाले हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि 10 लाख में कितना जीरो होता है। अच्छा, ये नहीं पता उनको, थोड़ा ज्यादा बड़ा बढ़ चढ़ के बात करें, 10 लाख में कितना नौकरी है? भैया, आप सबको ठंडाई पिलाते हैं, अब कौन से नेता की ठंडाई अच्छी लग रही है वादों वाली बताओ?
मुस्कुराओ नहीं, बताओ। नहीं बोल रहे हैं तो यहाँ कुछ लोगों को तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे में दम लग रहा है तो कुछ को बीजेपी से उम्मीदें हैं। कुल मिलाकर अब सबकी निगाहें इस बात पे होगी कि बीजेपी क्या वादा करती है और जब तीनों वादे सामने होंगे तो चुनाव होगा, किसके वादे में कितना दम, और उसी पे तय होगा कि किसका बटन दबेगा। आज इंडिया टीवी पर दिन भर अलग अलग इलाकों से पब्लिक मीटिंग्स हम आपको दिखाते रहेंगे। थोड़ी देर में बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी होने वाला है, आपको ले चलेंगे वहां भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।